अब इसी से करेंगे अपन ब्लॉगिंग, ठीक है। तो भैया मेरा नाम है ब्रज और मुझे कहानी सुनाने का बड़ा शौक है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, और हमारा एक कन्फेशन है उन दो लीजेंड्स यानी दिव्य चरित्रों के लिए जिन्होंने स्टोरी टेलिंग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इनमें से सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं हमारे सोमेश भाई, जिन्हें दुनिया कैमरा वाले भैया के नाम से जानती है। और दूसरे हैं हमारे शिवा भाई। जब से मैंने इन्हें फॉलो करना शुरू किया है, ब्लॉगिंग के प्रति मेरा नज़रिया ही बदल गया है, और तभी से मैं स्टोरी टेलिंग सीखने के लिए हमारे सोमेश भाई को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अपन तो ठहरे बिगनर लेवल या कहें लर्नर लेवल के कंटेंट क्रिएटर, और ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे शिवा भाई ने कहा है कि ज़िंदगी में आपको कभी कुछ सीखना हो, कभी कुछ करना हो, तो आप कॉपी करो, दबा के कॉपी करो। मत सोचो कि मैं कॉपी करूं कि ना करूं, बस आप अपनी इंस्पिरेशन लो और दबा के कॉपी करो। शिवा भाई की बातों के बाद अब बोलने के लिए मेरे लायक कुछ बचा नहीं, तो हम बात कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हर एक न्यू ब्लॉगर की रहती है। तो अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं या ब्लॉगिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। वैसे तो यूट्यूब पर शुरुआत करने के लिए किसी खास इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, आप अपने मोबाइल से भी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने अनुभव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें होना ज़रूरी है। धीरे धीरे ही सही, मैंने भी ऐसे ही कुछ बेसिक चीज़ों को कलेक्ट करके अपना एक नया ब्लॉगिंग सेटअप तैयार कर लिया है। टेंटना, तो दोस्तों ये रहा मेरा न्यू ब्लॉगिंग सेटअप। इसके अलावा हमने अपने सेटअप में एक और आइटम को ऐड किया है, और वह आइटम इस बॉक्स के अंदर बंद है। यह एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आपके ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस को यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। आपके वीडियो में एक प्रोफेशनल सिनेमैटिक लुक लाने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो अभी हम इसको रख देते हैं साइड में, और इसके पहले हम बात कर लेते हैं अपने इस ब्लॉगिंग सेटअप पर। बेसिकली इसमें तीन आइटम हैं, एक ये माइक, कैमरा और ये ट्राईपॉड। दोस्तों मेरा एक कैमरा है कैनन का M50 Mark II। यह एक कॉम्पैक्ट मिररलेस कैमरा है। यह इतना लाइट वेट है कि इसका यूज़ करके मैं बड़ी आसानी से ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। तो इसका इस सेटअप का दूसरा आइटम है ये माइक। दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ बोया का MM1 शॉटगन माइक। यह काफ़ी हद तक नॉइस कैंसिलेशन में मदद करता है। इस सेटअप का ये तीसरा आइटम है यह एक ट्राईपॉड। वैसे तो यह एक गोरिल्ला ट्राईपॉड के जैसा ही है, मगर देखने में थोड़ा अलग है। यह ओलांजी का MT33 ट्राईपॉड है। इसमें एक हेड दिया गया है जिसका यूज़ करके आप आसानी से अपने कैमरे को मूव कर सकते हैं। तो भैया जी, ये था हमारा एक बेसिक सा बिगिनर लेवल का ब्लॉगिंग सेटअप या ब्लॉगिंग किट, कुछ भी कह सकते हैं। मगर हमारे इस बेसिक से ब्लॉगिंग सेटअप में चार चांद लगाने के लिए आ गया है हमारा ये मोजा का मिनी पी गिम्बल। बेसिकली है 3-in-1 गिम्बल है। इसका यूज़ मोबाइल, गोप्रो और एक कॉम्पैक्ट कैमरे के साथ किया जा सकता है। इसकी वेट कैपेसिटी 900 ग्राम तक की है, यानी आप इसके साथ विथ लेंस 900 ग्राम तक के कैमरे का यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट करने के लिए हमने लोकेशन पर जाकर कुछ शॉट्स निकाले हैं। ओए 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 जो गाए दिल में
मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना। गाए हमसे नाराज रहना सजाए हम तेरी बरात है ना। सवेरे दिन रात ना पाए चैना सुन लेना। सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती सुबह तो आई ना। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं चल रहा हूँ फिर भी वीडियो ज़्यादा ऐसे जर्क नहीं कर रहा है। और वैसे ये गिम्बल बहुत ही आसान है अपने कैमरे के साथ इसको हैंडल कर पाना। इतना हैवी नहीं है, एक लाइट वेट कॉम्पैक्ट गिम्बल है तो बड़े आसानी से हम वीडियो अपने बना सकते हैं इससे। इस मोज़ा मिनी पी गिम्बल की परफॉर्मेंस मेरे इस कॉम्पैक्ट से कैमरे के साथ बहुत ही बढ़िया थी। मैं इसके साथ आसानी से ब्लॉगिंग कर पा रहा था। तो दोस्तों ये है मेरा नया ब्लॉगिंग सेटअप। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।